मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा के बाद परियोजनाओं के कार्यान्वित होने का कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर संदेश के माध्यम से दिया है। अब विपक्ष के पास कोई भी सवाल नहीं बचा होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत अब दिसंबर माह तक देश एवं प्रदेश की जनता को सस्ते दरों पर उचित मूल्य की दुकानों में राशन मिलता रहेगा, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी मुफ्त टीका लगने के फैसले से विपक्ष को करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं केवल सरकारी अस्पतालों में ही मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, बल्कि निजी अस्पतालों में भी मुफ्त में ही लोगों को टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को इससे 350 करोड़ से अधिक राशि का लाभ होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का MSP बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को हमेशा मदद करती है और खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के लिए पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित हुआ है उसमें सहयोग मिला है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में मेरा प्रवास था उस दौरान भी बहुत सारे इश्यूज को लेकर के जो मिलना हुआ है और उसमें सब में काम आगे बढ़ाने की दिशा में चीज़ें हुई हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रोजेक्ट्स जो योजनाएं जो केंद्र में हमने भेजी हुई हैं सिलसिलेवार जो है वो सुरक्षित होकर के निकल रही हैं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए जो तमाम सारी बातों को लेकर के विपक्ष के लोग गाहिब गाहिब बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात करने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात कहने की कोशिश करते थे, उन सारी बातों पर विराम दिया। 45 साल से ऊपर के लिए जो फर्स्ट फेज की वैक्सीन उसको पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया कि उसको केंद्र सहयोग करेगा और उसके बाद 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए जो वैक्सीन उसके लिए भी सुनिश्चित कर दिया कि ये वैक्सीन भी हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने पहले ही इस बात की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी राहत लगभग प्रदेश सरकार का 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है इसमें हमारा जो है बचेगा जब केंद्र इसमें सहयोग करके जो है हमको वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। और उसमें दूसरे पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वैक्सीन लगा पाएंगे और उनके लिए 25% जो है उसमें कोटा सुनिश्चित करने के साथ में तय किया कि सर्विस चार्जेस के नाम पर मात्र 150 रुपये वो ले पाएंगे, 150 रुपये लेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे, वो भी तय किया। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने संबोधन में घोषित किया। इसी तरह से इससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विषय जो है कि जो गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उस राशन को नवंबर तक यानी कि दिवाली तक उसके लिए उसको जो है वो और आगे बढ़ा करके देने का निर्णय किया, जिससे देश की 80 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा, सस्ता राशन मिलेगा। ये सारी जितनी भी उस दिन राष्ट्र के नाम पर संदेश देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनका हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री और विपक्ष के लिए मुझे लगता कि अब कोई जवाब देने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि कोविड के संकट में इतने बड़े संकट में विपक्ष सिर्फ टिप्पणी करता रहा
अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए और उन तमाम बातों का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से दिया गया है।